हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और यहाँ हमारा छोटा सा बाबू ठीक है। अभी अभी जस्ट पॉटी की थी तो साफ करने के लिए मैंने इसके कपड़े रिमूव किए थे। अब मैं इसको फिर से कपड़े पहनाने जा रही हूँ, और क्योंकि हम लोग जा रहे हैं घूमी घूमी करने, और घूमी करने क्या, दिवाली की शॉपिंग करने जा रहे हैं, जिसमें हम लेंगे बाबू के लिए कपड़े। हाँ, छोटे से बाबू के लिए कप्पे आएंगे, कप्पे। हाँ, तो बाबू के लिए कपड़े लेने जा रहे हैं, और दूसरे बाबू से मिलिए। दिवाली को हाँ, तो डुब्बू का बर्थडे आ रहा है, तो हम लोग अब डुब्बू का बर्थडे ऐसे जैसे पहले सेलिब्रेट किया करते थे वैसे नहीं करते हैं ना डुब्बू? यस। तो हमने ये डिसाइड किया था इस बार, इस साल, कि डुब्बू के बर्थडे पे हम डुब्बू जहाँ कहेगा वहाँ पे उसको डिनर करा के लाएंगे, और जो गिफ्ट कहेगा वो गिफ्ट उसको दिलवा देंगे, और उसके बाद यही उसका बर्थडे होगा। राइट, ऐसे ही हुआ था। यस, हैप्पी हो आप इसमें? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम ये बताओ, तुम्हें गिफ्ट में चाहिए क्या? मुझे बम। ये नहीं, ये गिफ्ट नहीं है। अच्छा, नहीं। अच्छा, बच्चों वाले। हाँ, बच्चों वाली फुलझड़ी दिला दूंगी मैं आपको, फुलझड़ी और अनार। ठीक है, और चार माचिस बम और चार पॉप अप। बच्चों का सामान दिला दूंगी, और बड़े कोई बॉम्ब नहीं दिलाए जाएंगे, क्योंकि ना बम मैं फोड़ती हूँ ना दिवाकर जी फोड़ते हैं, और फ्रूटी को और बाबू को प्रॉब्लम भी होती होगी बम से। राइट, आपने अभी कुछ और कहा था ना कि आपको कुछ और भी चाहिए था। ब्रश पेन। हाँ, ब्रश पेन। तो इन्हें कलर सेट चाहिए एक, ठीक है, यही चाहिए ना, कलर सेट, और बच्चों वाली जो छोटी छोटी फुरकिनी वुरकिनी होती है अनार वगैरह वो दिला दिए जाएंगे। राइट, yes। तो इसके लिए हमने इस साल डुगू को कहा था कि डुगू अगर तुम कुछ सेव करोगे, सेविंग करोगे, जो हम डुगू को पॉकेट मनी देते हैं वो सेव करोगे, तो आप जो कहोगे वो आपको दिलाया जाएगा। तो डुगू ने सेविंग की है इस साल, ये है उसकी गुल्लक डुगू की, और ये कहा गया था डुगू से कि आपके बर्थडे पे ये गुल्लक हम फोड़ेंगे, और इसमें जो भी निकलेगा उससे हम आपके लिए जो कहेंगे वो खरीद देंगे। ऐसी बात हुई थी। यस, ठीक है। और इन पैसों में और अगर आधा पैसा बाबू का भी है। एग्जैक्टली, इसमें से कुछ डुगू जो डोनेट करेगा बाबू को, जिससे हम बाबू की शॉपिंग करेंगे। राइट, दोनों भाई की शॉपिंग। तो डुगू को इस बार टास्क दिया गया था, जून में दिया था ये टास्क, कि जून से लेके दिवाली तक आप जो भी सेव करेंगे उसी से आपकी दिवाली की और बर्थडे की शॉपिंग होगी, ऐसा कहा गया था। यस। तो डुगू आज अपने गुल्लक को फोड़ेंगे हथौड़े से ना फेंक के, नहीं हथौड़े से। सो दिवाकर जी हथौड़ी ले आए हैं और गुल्लक का शुभारंभ किया जाए। डुगू नहीं, यहाँ पे किसी के नहीं, किसी के पैर में नहीं, आराम से। हाँ, धीरे से मारो, वेरी गुड। ऐसे ऊपर से पकड़ो, इसकी चोंच से पकड़ो, और अब मारो। ओ, क्या निकला है इसमें? बस हो गया, हो गया। तो ये की सेविंग है, ये डुगू की सेविंग्स है ना? यस। मैं बाबू को 500 रुपए, 100 रुपए और 700 रुपए दूंगा। डुगू बाबू को सिर्फ 700 रुपए दोगे आप? 500, 100, 700, 100। ये आपके 3 महीने की सेविंग है ना, 3 या 4 महीने की। और इतने पैसे मेरे को तो, मैंने तो इतने पैसे रखे भी नहीं थे। आपकी पॉकेट मनी पापा हर महीने गुल्लक में डाल देते थे। आई लव यू। जाओ अब देखो कितना है। अभी हम काउंट भी करेंगे। राइट, यस। और ये गुल्लक नॉर्मल कलर की थी, डुग्गू ने इसे पेंट कर दिया था ब्लैक कलर में। ये क्या, आल्पिन भी डाल दी उसमें। गलती से डाल लिया था। वेरी गुड डुग्गू। कितने सिक्के? एक। सिक्के गिन रहे हो, पर नोट तो गिन लो। चलो गिनो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 500 के नोट 10 है तो यार यही हो गए 5,000 से ज्यादा तो। वेरी गुड। 1, 2, 3, 1500, ठीक है। यस। और
तो टोटल पैसे जो डुगू के हुए हैं गुल्लक के उसमें से, ये हुए हैं 5,000 रुपये, और 5,000 ये सब मिला के हैं, और ये एक्स्ट्रा है 5,000 में। 5,000 5 रुपये, 5,000 10 रुपये, 5,000 15, 5,000 20 और 2 रुपये, तो 5,000 22 रुपये हुए हैं टोटल डुगू के गुल्लक में। और इस 5,022 रुपये में डुगू और बाबू का सामान लिया जाएगा, करेक्ट? यस yes. और इन्हीं पैसों से, ये जो पैसे आपके 5,022 बचे ना, तो 22 रुपये में ऐसी एक गुल्लक फिर से लोगे और उसको पेंट करूंगा। उसको पेंट तो कर ही लेना, कोई बात नहीं, और अगले 6 महीने तक उसको फिर भरोगे और उसको हम होली पे फोड़ेंगे, ठीक है? होली? हाँ, यानी कि क्योंकि होली का सामान आ जाए। हाँ एग्जैक्टली exactly. अब आप जो सेव करोगे उसी से आपके हर फेस्टिवल पे सामान लिया जाएगा, और अगर नहीं करोगे सेव तो नहीं लेंगे, ठीक है? पक्का? पक्का। तो अगर सेविंग है तभी आपका फेस्टिवल है। लेकिन मैं इसको देखा हूँ, गोलक में सीधे पैसा डालता है अपने। ये जैसे मिलते वैसे ही घर आके डाल देता हूँ मैं। हाँ। मैं तो कोई देता है वैसे ही डाल देता हूँ। वेरी गुड। तो ये आदत मेरे लिए बच्चों में होनी चाहिए, उनसे सेविंग कराइए। अगर वो सेविंग करना सीखेंगे तो बड़े होने के बाद ये आदत उनमें बहुत ज्यादा मेजरली उनको बहुत हेल्प करेगी लाइफ में, ये चीज की सेविंग करना, जो कि मुझे बहुत कम आती है, बट मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चों में ये आदत रहे सेविंग करना। तो अपनी तरफ से ट्राई करते हैं, बाकी बच्चे क्या करेंगे आगे चल के वो भगवान के पास है। तो ये रहे पैसे, अब करेंगे इनसे शॉपिंग। तैयार हो जाओ सब लोग, चलो तैयार हो। ओके हटोरा तहर को। फ्रूटी, तुमने अगर सेविंग की होती तुम्हारे लिए भी कुछ दिवाली पे लेते ना। हाँ तुमने सेविंग क्यों नहीं की? आधा पैसे अगर तुम सेविंग करते तुम्हारे लिए भी कुछ लिया जाता ना दिवाली पे। आधा पैसे तुमने सेविंग नहीं की, अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिया जाएगा, ठीक है? इसके लिए आधा पैसा दे दूंगा इसको। आज पता चला कि सेविंग कितनी जरूरी होती है लाइफ में, है बाबा? हाँ, अपनी मनचाही चीजें लेने के लिए। चले फिर, चलो। तो यहाँ मैं बाबू को तैयार करने लग गई थी, क्योंकि हम सब ने प्लान किया था कि हमें मार्केट जाना है, और एक मेजर चीज़ है कि बाबू को मुझे डॉक्टर को दिखाना था, जिसके लिए बहुत दिन से टाल मटोल हो रही थी कि कल चलेंगे परसों चलेंगे, क्योंकि मैं इसके लिए जाना भजनपुरा था, क्योंकि वहीं के डॉक्टर को मैं डुगू को दिखाती थी और वहीं को मैंने बाबू को भी दिखाने के लिए सोचा था। तो भजनपुरा के लिए तैयार कर रही थी। अब मैं आपको इसके सर में दिखाती हूँ कि सर में इसको मेजरली ना कुछ इसे क्या बोलते हैं, कोई पता नहीं कौन सी कैडल कैप आई थिंक ये बोलते हैं इसके सर में जो हुआ था, वो मैं मतलब उसी को दिखाने गई थी, तो इसीलिए वहाँ जाना ज़रूरी था। अब मैं ये जो दिखा रही हूँ आपको, इसे ध्यान से देखिएगा। और वैसे तो डॉक्टर ने कहा था इस पर तेल लगाइए गोले का, मतलब कि नारियल का तेल लगाइए, उससे से ठीक हो जाएगा, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो फिर आप आइएगा, मैं आपको मेडिकेटेड शैम्पू और ऑयल लिखूंगा, वो आप यूज़ करिएगा, ठीक है? तो यहाँ बाबू बिल्कुल तैयार हो गया है। तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। अगर मैं झूठ कह रही हूँ तो हाथ मत उठाना, और अगर मैं सच कह रही हूँ कि वहाँ कुछ कहने का मौका ही नहीं देती लाडली, उनके बुखार में उनके चरण देखते ही विश्वास जाता है। छाए काली घटाए तो क्या, मेरी पकड़ा मेरा हाथ है, मेरी श्यामा की क्या बात है। फाइनली कल हम लोग यार आए, उसके बाद बहुत थक गए थे, तो और गले में थोड़ा इन्फेक्शन भी हो रखा है, और बाबू ने देखो पापा वाला जो थर्ड वाला रोमपर है वो भी आज पहन रखा है ना। तो बाबू ने जो पापा का थर्ड वाला रोमपर था वो भी आज मैंने पहनाया था इसको सुलाते वक्त रात में, और कंफर्टेबल होके, इसको रोमपर बहुत पसंद है। फर्स्ट ऑफ ऑल रोमपर में बहुत रिलैक्स होके सोता है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ शॉपिंग कल की, तो मैं थोड़ा सा ऐसे हो जाती हूँ ताकि आप लोगों को दिखे अच्छे से। भैया हम लोग बैठ गए ठीक से, अब मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये सॉक्स की और बाबरे, तो ये सॉक्स के पेयर्स दिखाती हूँ मैं आपको, जो कि 5 पेयर है, और एक छोटे वाले बाबू के लिए मैंने मैक्स से लिए हैं ये,
जिसमें छोटे छोटे से बूटीज भी बनी हुई है। पास से दिखाओ जरा, पास से दिखेंगी। बहुत ही क्यूट है ये, 5 जोड़ी लिए है मैंने, ग्रीन व्हाइट एंड सॉरी ग्रे एंड ब्लू, ठीक है, अगेन ग्रीन बस स्ट्राइप्स के साथ है ये, और अगेन ब्लू, ठीक है। तो 5 जोड़ी ये हैं। इसके साथ हमने एक व्हाइट एंड ब्लू का कैप लिया है, ये है। और हाँ, तो ये हम जो हमने कल शॉपिंग किया वो दिखाती मैं आपको। सबसे पहले तो ये एक स्वेटशर्ट लिया है बाबू का, जो कि मेहंदी ग्रीन कलर का है, और यहाँ पे इसके स्लीव्स में डिटेलिंग है, देखो क्रीज क्रॉस की, और आगे पॉकेट पे भी डिटेलिंग दे रखी है नीचे सेम। और यहाँ मिकी माउस बना हुआ है, और ये भी बेबी हग ब्रांड का ही है, और पीछे भी मिकी माउस बना हुआ है। तो ये की स्वेटशर्ट लिया है, और उसके बाद एक ये बाबूगले डंगरी स्टाइल, मैंने डंगरी ली है, मतलब डंगरी बोलते ना इसको, ये देखिए फुल डंगरी ली है, जो कि जींस डेनिम में है, सॉफ्ट डेनिम में, और ऊपर टी शर्ट है, वाइट कलर के स्ट्राइप्स बने हुए हैं। तो ये मुझे बहुत प्यारी लगी, इसलिए मैंने कि ये ले लिए है। और इसके अलावा बाबू का एक और चीज दिखाती हूँ मैं, नहीं पहले ये दिखाती हूँ फिर वो दिखाऊंगी, कंफ्यूज हो जाती हूँ अभी। ओके, सो ये डुब्बू का है, डुब्बू का दिखा देती हूँ आपको। डुब्बू के लिए बर्थडे के लिए मैंने एक पैंट ली है कार्गो स्टाइल में, ये है, ठीक है, ये पैंट है। और इसके अलावा दिवाली पे पहनने के लिए एक कुर्ता लिया है, कुर्ते का सेट, जो कि ये है पिस्ता ग्रीन कलर में। तो एक ही कुर्ते का सेट है जिसमें पिस्ता ग्रीन कलर का कुर्ता है और व्हाइट कलर की पजामा है, तो ये है।